अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे और बेसन के पराठे, जिसके लिए हम बैटर तैयार कर लेंगे। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम एक अदद अंडा लेंगे और इसे तोड़कर डाल देंगे। व्यूअर्स, हमने अंडा तोड़कर इसमें डाल दिया है, अब हम इसमें सारे स्पाइस डालेंगे। व्यूअर्स, मैंने अंडे में एक चमचा कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी है। अब ये मैं पिसा हुआ ज़ीरा है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करा है। अब मैं इसमें साबुत धनिया शामिल करूँगी। व्यूअर्स, ये साबुत धनिया इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ टी स्पून। हरी मिर्चें मैंने ली हैं, इन्हें मैं बारीक बारीक काट कर अंडे में शामिल कर लूँगी। व्यूअर्स, मैंने हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा ये हरा धनिया है, ये भी बारीक काट कर शामिल कर लूँगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये पुदीना है, इसे भी बारीक काट कर शामिल कर दूंगी। व्यूअर्स, मैंने पुदीना भी इसमें काट कर बारीक शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं हसबे जायका नमक शामिल करूंगी और हम इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। व्यूअर्स, एक अंडा मुझे कम लग रहा था, मैं इसमें एक और अंडा शामिल कर रही हूँ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक कप बेसन लिया है, ये मैं अंडे में शामिल करूंगी। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको एक बैटर बना लेंगे। व्यूअर्स, अब मैं इसमें ये चावलों का जो आटा है, ये मैंने लिया है, बिल्कुल अवेलेबल होता है बाज़ार में आसानी से, तो ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये एक ठीक बैटर बन गया है। अब ये इसमें हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। व्यूअर्स, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर देंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं तकरीबन इतना हमने बैटर को जो है ना थिक रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। व्यूअर्स, हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसे अच्छी तरह गरम कर लिया है। अब हम इसमें बिल्कुल माइनर सा जो है ऑयल शामिल करेंगे, घी शामिल कर लें। मैं घी शामिल कर रही हूँ उसमें, इस तरह बस हमें घी जो है पूरे फ्राई पैन पे फैलाना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह घी जो है इस पैन में फैल चुका है, आप चाहे तो ब्रश से लगा लें। मैंने चमचे से डाला है क्योंकि फ्राई पैन गर्म हो रहा है काफ़ी। बस मीडियम लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ आँच मत करिएगा, स्लो आँच में करना है, दरमियानी आँच में, ताकि ये जले ना। अब हम बैटर इसमें शामिल करेंगे। व्यूअर्स, हमने इस तरह इसको फैला लिया है, अब इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। ये रेडी होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ये नीचे से सिक चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे। देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ रहा है, अभी हमें से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर हम इसे उतार लेंगे। देखिए व्यूअर्स, अच्छी तरह गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं, इसी तरह हम सारे बना लेंगे। व्यूअर्स, ये हमने डिश आउट कर लिया है। अब ये जो है हम तली हुई मिर्चों के साथ खा सकते हैं, सलाद के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ, रायते के साथ, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें, शेयर करें। जज़ाकल्ला।